नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन अगले महीने यानी 12 और 13 फरवरी को होगा, यानी एक महीने से भी कम वक्त बचा है। इसके लिए सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली है। ऑक्शन में किस खिलाड़ी पर दाव लगाना है, इसकी रणनीति बना ली है। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों को अपने नए कप्तान की भी तलाश है। खबरों की माने तो इन दोनों टीमों की नज़र एक ही खिलाड़ी पर है। वो खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर, यानी नीलामी में अय्यर के ऊपर पैसों की बारिश होना तय है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया के मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के राडार पर है, जो उन्हें अपने अगले कप्तान के रूप में देख रही है। दिलचस्प बात यह है कि केकेआर पंजाब किंग्स भी ऑक्शन में अय्यर पर बोली लगाने की तैयारी में है। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि आरसीबी मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर को अपना अगला कप्तान बनाने के लिए इच्छुक है। ऐसे में आरसीबी इस खिलाड़ी पर आक्रामक बोली लगा सकती है। उन्होंने कहा, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स भी नीलामी में उन्हें खरीदना चाहेंगे। जैसा कि अय्यर जिस फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे उसके वो कप्तान बन सकते हैं। बता दें कि आईपीएल 2018 सीजन के बीच में जब गंभीर ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी छोड़ी थी, तो उसके बाद श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई थी। अय्यर ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। आईपीएल 2019 के सीजन में डीसी ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी। इतना ही नहीं, अगले साल 2020 के आईपीएल में भी अय्यर की कप्तानी में दिल्ली की टीम ने फाइनल तक का सफ़र तय किया था। हालांकि पिछले सीजन से पहले अय्यर चोटिल हो गए थे, जिसके बाद ऋषभ पंत को दिल्ली की कमान सौंपी गई थी। लेकिन श्रेयस अय्यर के वापस आने के बाद भी टीम मैनेजमेंट ने पंत को भी आगे कप्तान बनाए रखने का फैसला लिया। अब दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।